मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज नितिन। और आज हम जो नेक्स्ट हमारा प्रीवियस चैप्टर था सेल, उसके उसको ही कंटिन्यू करेंगे जो कि प्रीवियस क्लास में हमारे बचा हुआ था। तो फर्स्ट क्लास में हमने सेल की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद हमने सेल ऑर्गेनेल्स जो भी है उनके बारे में इंफॉर्मेशन ली थी, और सभी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अब हमारा जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल आता है, दैट इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जो नेक्स्ट हमारा सेल ऑर्गेनेल है वो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सो द गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज अ स्टैक ऑफ मेम्ब्रेनस वेसिकल्स वेयर स्टोरेज मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन प्रोडक्ट्स ऑक्यूर्स। मीन गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है? स्टैक है मेम्ब्रेनस वेसिकल्स का। यहां पर देख सकते हैं लाइक स्टैक का मीन ये बंच, बंच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है, लाइक 1 2 3 4 5, ये सब जो है बंच लाइक स्ट्रक्चर में यहां पर आपको प्रेजेंट दिखाई दे रही है। सो स्टैक ऑफ मेम्ब्रेनस वेसिकल्स, मेम्ब्रेनस वेसिकल्स के स्टैक के फॉर्म में होता है, जहां पर की क्या-क्या होता है इसमें, क्या-क्या वर्क करता है, ये स्टोरेज का, मॉडिफिकेशन का और पैकेजिंग का। प्रोटीन प्रोडक्ट्स में जो प्रोटीन प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि हमारे हमने इससे पहले वाला ऑर्गेनेल पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके थ्रू बनने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका स्टोरेज, उनका मॉडिफिकेशन और साथ में उनके पैकेजिंग का जो वर्क होता है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स हमारे पास करता है। ये एक एनिमल सेल है और ये एनिमल सेल के बहुत सारे ऑर्गेनेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इन ऑर्गेनेल्स में ये जो स्ट्रक्चर है यही गोल्जी कॉम्प्लेक्स होती है। अगर इसको हम देखें, इसकी स्ट्रक्चर को देखें, तो यहाँ पर आप ये देखते हैं कि बहुत सारे स्टैक्स हैं, 1 2 3 4, इस तरह से स्टैक्स बने हुए हैं जो कि मेम्ब्रेनस वेसिकल्स हैं, मेम्ब्रेनस वेसिकल्स हैं। और साथ में इसकी दो सरफेस हैं, ये जो इस तरह से जो सरफेस होती है उसको बोलते हैं हम सिस्टर सरफेस, और जो ये नीचे वाली सरफेस है ये सिस्टर सरफेस हो जाती है, और ये जो ऊपर वाली सरफेस है उसको ट्रांस सरफेस बोलते हैं, या इसका ये ट्रांस फेस है यहां पर। इसके अलावा इसमें कुछ टू टाइप की वेसिकल्स होती है, नंबर 1 इज सेक्रेटरी वेसिकल्स एंड नंबर 2 इज ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। जो सेक्रेटरी वेसिकल्स है वहां से कुछ फ्लूइड या कुछ मटेरियल सेक्रेट होता है, जबकि ये जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स है ये इस मटेरियल को वन प्लेस टू अदर प्लेस पर ट्रांसपोर्ट करने का वर्क परफॉर्म करती है। नेक्स्ट इसकी स्ट्रक्चर हम देखते हैं, तो यहाँ पर गोल्जी अपैरेटस है यहाँ पर दिया हुआ है। फिर इसको हम देखें तो ये इसके पास हमारे पास मेम्ब्रेनस वेसिकल्स है जो कि वन बाय वन बहुत सारे आपके यहाँ पर वन टू अदर से अटैच है। इसके अलावा हमने कहा इसकी सिस फेस होता है और ट्रांस फेस होता है, ये सिस फेस अपर वाला और ट्रांस फेस लोअर वाला होता है, ठीक है। इसके बाद जो हम देख रहे हैं जो ये वेसिकल्स है मेम्ब्रेनस वेसिकल्स, तो ऐसी वैसी ऐसा ऐसी स्ट्रक्चर ऐसी स्ट्रक्चर जो इन इन वेसिकल्स को कंबाइन करे, एक दूसरे से लिंक करे, उसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। उस वाले पार्ट को हम बोलते हैं ल्यूमेन। उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है, ये इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, जो ये वेसिकल्स जो बाहर कुछ वेसिकल्स है जो कि गोल्जी अपैरेटस की होती है, जो कि क्या है कुछ मटेरियल को बाहर से अंदर ला रही है, दैट इज इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। ये यहाँ पर जो ये हम सरफेस देख पा रहे हैं, जो हमारी मेम्ब्रेनस वेसिकल्स है उनकी ये जो सरफेस हम देख पा रहे हैं, इन सरफेस को हम बोलेंगे सिस्टर्नल, दीज आर नोन एज सिस्टर्नल। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ स्मॉल सैक्स लाइक और वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर है, और वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये यूनिफॉर्म्ड वेसिकल्स है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये है आउटगोइंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल, यहाँ से कुछ वेसिकल्स है जो कि मटेरियल को बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं, दैट इज आउटगोइंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी अपैरेटस। नाउ नेक्स्ट इज लाइसोसोम्स। नेक्स्ट ऑर्गेनेल कौन सा है? लाइसोसोम। सो
Lysosome contains enzymes that can break down foreign material like bacteria or burn out cellular components. So lysosome bhi kya hai? Ye organelle. Lysosome also an organelle of a cell that is required to function to perform activities to a cell. जो कि किसी भी cell को अपनी activity perform करने के लिए required होता है, वो एक organelle lysosome भी उसमें include होता है. So lysosome contains enzymes. अब जो lysosome होता है, lysosome क्या करता है? कुछ special type of enzyme contain करता है, जो कि किससे form होते हैं? Protein से. ये enzyme किससे form होते हैं? Protein से form होते हैं. Lysosome contain करता है enzymes जो कि प्रोटीन से फॉर्म होते हैं, और ये क्या करते हैं? दैट कैन ब्रेक डाउन फॉरेन मटेरियल लाइक बैक्टीरिया और बर्न आउट सेलुलर कंपोनेंट्स. तो ये जो एंजाइम्स है जो कि लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कि कोई भी आउटर मटेरियल जो भी सेल के अंदर एंटर करता है उस आउटर मटेरियल को ब्रेक डाउन करने का वर्क करता है, और इसके अलावा बर्न आउट करता है सेलुलर कंपोनेंट को. मीन जो भी दूसरे ऑर्गेनेल या दूसरा मटेरियल जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, जो कि अब क्या है, बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुका है और फंक्शनिंग नहीं कर रहा है अपनी प्रॉपर, तो उसको भी ब्रेक डाउन करके ये सेल से बाहर निकालने का वर्क फंक्शन करता है. उसके बाद कंटेंट्स ऑफ लाइसोसोम वुड किल सेल इफ मेम्ब्रेन रप्चर्स. अगर क्या होता है, जो भी लाइसोसोम के अंदर कंटेंट होते हैं, मीन जो एंजाइम लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करेंगे, किल को सेल को ही किल कर देंगे अगर उसकी मेम्ब्रेन जो है फट जाती है. मीन लाइसोसोम की जो ये मेम्ब्रेन है ना, अगर ये कैसे किसी भी टाइप से बर्स्ट हो जाती है, मीन है ना, ये फट जाती है, तो इसके एंजाइम सेल के अंदर आ जाते हैं और कंप्लीटली सेल को ही ये एंजाइम किल कर देते हैं. मेनी मैं और एंजाइम्स इन द फूड वेक्टर्स, और साथ में लाइसोसोम क्या करता है, जो इसके एंजाइम है ये डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं. लाइसोसोम में स्पेशल टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो ये इन एंजाइम्स को क्या करता है, जो फूड वेक्टर प्रेजेंट होती है सेल के अंदर, उस फूड वेक्टर के अंदर भी फॉल कर सकता है, जिससे कि जो वहां पर फूड है वो ब्रेक डाउन हो जाए, कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है जो है सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए. इसलिए यहाँ पर ये जो फूड वेक्टर है उसमें भी अपने एंजाइम्स को पुट कर देता है. यहाँ पर हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ लाइसोसोम. तो हम देख रहे हैं लाइसोसोम की स्ट्रक्चर ये इस तरह से होती है, ठीक है. पर इसमें जो इसकी ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसकी आउटर जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं. इसके बाद इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इसमें लिक्विड बायलेयर भी प्रेजेंट होती है, और इसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये है हाइड्रोलाइटिकल एंजाइम मिक्सचर. बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का मिक्सचर इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि किसी भी सेल किसी भी मटेरियल को ब्रेक आउट करने का इनका वर्क होता है. इसके बाद ही यहाँ पर इसमें कुछ आप देखेंगे ये स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस पर. तो ये क्या है, ग्लाइकोसिलेटेड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. तो ये प्रोटीन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं और ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं. उसके बाद लाइसोसोम आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम. तो लाइसोसोम क्या है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है. किसी भी सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम हम अगर बोले तो वो हम लाइसोसोम को बोलते हैं. सो लाइसोसोम आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल. लाइसोसोम्स हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज बर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स. लाइसोसोम क्या करता है, किसी भी सेल को क्लीन करने में हेल्प करता है. ये हेल्प करता है किसी भी सेल को क्लीन करने में. कैसे, क्योंकि ये क्या करता है, जो भी फॉरेन मटेरियल लाइक बैक्टीरिया वायरस जो भी हमारी बॉडी में अनवांटेड मटेरियल एंटर हो रहे तो उनको डाइजेस्ट कर देगा. जो भी फॉरेन मटेरियल एंटर हो रहे उनको डाइजेस्ट कर देगा, और इसके साथ ही क्या करेगा, ये बर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स को भी बर्न आउट करेगा सेल ऑर्गेनेल्स को भी. मीन जो नॉन फंक्शनिंग
ऑर्गेनेल प्रेजेंट है सेल के अंदर या जो बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुके हैं उनको भी सेल से बाहर निकालने का काम करेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम किसी भी सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम बोलते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो कोई डाउट हो तो उसको आप है ना वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखना, बिकॉज लाइव सेशन में जो भी कमेंट्स लिखते हैं आपको बात को दिखाई नहीं देते, शो नहीं होते। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप लाइव क्लास के बाद उसे कमेंट बॉक्स में डाउट को लिखे, ठीक है। फॉरेन मटीरियल एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड। अब वो फॉरेन मटीरियल क्या हो सकता है? इट कुड बी बैक्टीरिया, इट कुड बी बैक्टीरिया और फूड भी फॉरेन मटेरियल है सेल के लिए, तो फूड को भी ये ब्रेक डाउन करेगा और साथ में जो बैक्टीरिया है उसको भी अपने डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू किल कर देगा, एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनेल्स। और इसके साथ ही क्या है, जो ऑर्गेनेल्स ओल्ड हो चुके हैं एंड एंड अप इन द लाइसोसोम, और वो सारी चीजें कहां है, लाइसोसोम में आकर एंड अप हो जाती है, व्हिच ब्रेक देम अप इनटू स्मॉल पीसेस। और इसके अंदर प्रेजेंट लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट जो एंजाइम्स है वो इन सभी जो फॉरेन मटेरियल है उनको ब्रेक कर देते हैं स्मॉल पीसेस में, मीन स्मॉल जो पीसेस है उसमें इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। लाइसोसोम आर एबल टू डू दिस बिकॉज़ दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और लाइसोसोम ऐसा करने में कैपेबल क्यों होता है? बिकॉज़ लाइसोसोम में क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो कि क्या करते हैं किसी भी फॉरेन मटेरियल को स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर देते हैं, कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। इसमें यह देखना पड़ेगा कि जो लाइसोसोम के अंदर जो भी एंजाइम्स है वो ओनली ऑर्गेनिक मटेरियल को ही ब्रेक करने में कैपेबल है, इनऑर्गेनिक मटेरियल जो थोड़े हार्ड होते हैं उनको ब्रेक करने में कैपेबल नहीं होते। During the disturbance in cellular metabolism, अब क्या है cellular metabolism होता है, अगर उसमें कोई disturbance आ जाता है, उसमें कोई भी disturbance आ जाता है, like example when the cell gets damaged, जब cell damage हो जाती है, lysosome may burst and the enzyme digest via on cell। अब क्या है, अब disturbance आ गया cellular metabolism में, तो cell क्या हो की damage होगी, मेटाबॉलिज्म में डिस्टरबेंस आने की वजह से सेल डैमेज हो गई, तो डैमेज होने की कंडीशन में क्या होता है, जो लाइसोसोम होता है वो लाइसोसोम का क्या हो जाता है, बर्स्ट कर जाता है, वो फट जाता है और उसके जो अंदर के सारे एंजाइम्स है डाइजेस्टिव एंजाइम वो कंप्लीटली सेल में स्प्रेड हो जाते हैं और जो पूरी सेल है उसको ही वो क्या कर देता है, उस टाइम पे डाइजेस्ट कर देता है, डाइजेस्ट किया ऑन सेल, तो वो अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर लिया जाता है, कर लेता है। Therefore, lysosome are also known as the suicide bags. और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं suicide bags. तो suicide bags क्यों बोलते हैं? Because क्या होता है जब cellular metabolism में कोई problem आती है, तो cellular metabolism में जब problem आती है, तो lysosome burst कर जाता है और burst होने के साथ ही इसके जो भी digestive enzymes इसके अंदर present होते हैं, वो सारे digestive enzymes cell के अंदर spread कर जाते हैं, complete cell के अंदर spread कर जाते हैं और complete cell को ही वो enzyme digest कर देते हैं। That's why lysosome are known as suicidal bag of cell. Suicidal bag of a cell. Structurally, lysosomes are membrane-bound sacs filled with digestive enzyme. तो लाइसोसोम क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स है, मीन ये इस तरह से लाइक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, थोड़ी सी राउंड शेप की बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है डाइजेस्टिव एंजाइम फिल रहते हैं। दीस एंजाइम आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जो एंजाइम है वो किसमें किसके थ्रू फॉर्म होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू वो फॉर्म होते हैं। यहाँ पर आपके पास आपके लिए प्रश्न है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी सरफेस पर कौन सा ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है सेल का, वो आपको बताना है। मीन ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोलते हैं, बिकॉज इनकी सरफेस पर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनेल मिलता है, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनेल दैट इज फाउंड ऑन द रफ on the surface of rough endoplasmic reticulum. Now, next organelle is mitochondria. Next organelle हमारा कौन सा है? That is mitochondria. So, mitochondria जो होता है, that is the powerhouse of the cell.
अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है। दे कंटेन एंजाइम्स दैट कैरी आउट द एनर्जी यील्डिंग स्टेप्स ऑफ एरोबिक मेटाबॉलिज्म। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके अंदर भी क्या होते हैं, ये कुछ स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम्स को कंटेन करता है जो कि क्या करते हैं, एनर्जी यील्डिंग मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली एरोबिक मेटाबॉलिज्म को कंप्लीट करते हैं। इसके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं दे कैरी आउट एनर्जी यील्डिंग स्टेप्स, एनर्जी को गेन करने वाली या एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाली स्टेप्स को ये कैरी आउट करते हैं बाय एरोबिक मेटाबॉलिज्म। यहां पर एरोबिक मेटाबॉलिज्म आया, तो आपने प्रीवियस क्लासेस में एज क्लास में कुछ पढ़ा होगा एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है दैट एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है। एटीपी इज प्रोड्यूस्ड हियर, और जो ये हमारे एटीपी है ये क्या है, करेंसी है, एनर्जी करेंसी है हमारी बॉडी की, हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी क्या है, एटीपी है। और ये एटीपी कहां पर प्रोड्यूस होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये सभी एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। कंपोज्ड ऑफ, सो माइटोकॉन्ड्रिया इज कंपोज्ड ऑफ अ डबल मेम्ब्रेन। ये माइटोकॉन्ड्रिया आप यहां पर देख पा रहे हैं, तो ये जो कंपोज होता है ये डबल मेम्ब्रेन से होता है, वन मेम्ब्रेन इज दिस एंड अदर वन इज दिस। जो आउटर मेम्ब्रेन, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है दैट इज नोन एज आउटर मेम्ब्रेन, और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है दैट इज नोन एज इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन जो होती है आप देख पा रहे हैं ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये क्या होता है, फोल्ड हो रही है, ये इंटरनल पार्ट में इस तरह से यहां पर ये फोल्ड हो रही है, ये फोल्ड हो रही है अंदर की तरफ। तो ये फोल्ड होकर द मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू क्रिस्टी, और ये जो अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड होती है तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है This is known as Christi. This is known as Christi. इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी के नाम से जानते हैं, जो कि इसकी इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्ड कर जाती है तो उसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। Now, माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, मीन ये क्या करते हैं, खुद से ही अपनी जो है रेप्लिका बना लेते हैं, मीन ये अपनी जो है एक और कॉपी बना लेगा, ये अपनी एक और कॉपी बना लेगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, अपनी कॉपी बनाने में कैपेबल होते हैं, मीन दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। व्हाई, बिकॉज़ कंटेनिंग डीएनए और सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स। क्यों, क्योंकि इनमें क्या होता है, अपना खुद का सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है। यहां पर कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल इनके अंदर प्रेजेंट होता है, उसके थ्रू क्या करते हैं, दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज कैपेबल टू रेप्लिकेट इट्स कॉपी, है ना, वो अपनी कॉपी बनाने में कैपेबल होती है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चरल फीचर्स, हियर यू कैन सी inner membrane and outer membrane, inner membrane और outer membrane है, और जहाँ पर ये inner membrane है वो fold हो रही है, this in this part and in this part it is folding, इन दोनों ही part में ये fold हो रही है, so this part पे ये fold हो जाती है, that is known as Christi, that it is known as Christi. Now, तो इसके अंदर fluid भरा हुआ है, तो fluid present in this area is known as matrix. इसे ही हम क्या बोलते हैं, matrix बोलते हैं। जो fluid माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, matrix। और इस माइटोकॉन्ड्रिया में हमें इस तरह से सर्कुलर डीएनए टाइप में डीएनए भी मिलते हैं, जिनके थ्रू क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया इज कैपेबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो जो भी लाइफ को परफॉर्म करने के लिए हमें पता है हम बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो उन सभी एक्टिविटीज के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो किसके थ्रू कंप्लीट होती है, हमें
इसके ये जो माइटोकॉन्ड्रिया इसके थ्रू कंप्लीट होती है बिकॉज ये क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करता है जो कि हमारी एनर्जी करेंसी है ठीक है और इट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट सो फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ये यहां पर एनर्जी रिलीज करता है माइटोकॉन्ड्रिया Now, ATP is known as the energy currency of the cell. ATP को ही हम क्या बोलते हैं? Energy currency of the cell बोलते हैं. ATP is known as energy currency of the cell. The body uses energy stored in ATP for making new chemical compounds. और जो body है, जो energy release हो रही है mitochondria के थ्रू, उस energy को हमारी body क्या करती है? New chemical compound form करने में और मैकेनिकल ग्रोथ करने में हमें हेल्प करती है मीन जो ये मटेरियल एटीपी जो फॉर्म हो रहा है ये किस किस में हमें सपोर्ट करेगा एक तो केमिकल कंपाउंड के फॉर्मेशन में और साथ में जो भी मैकेनिकल वर्क हम परफॉर्म कर रहे हैं लाइक कहीं पर भी वॉक कर रहे हैं हम टॉक हम या फिर हम किसी से बात कर रहे हैं तो इन सभी में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है मैकेनिकल वर्क करने के लिए दैट इज रिलीज्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट वन माइटोकॉन्ड्रिया में हम देख रहे हैं मेम्ब्रेन है फॉर टू कवरिंग की होती है इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन ठीक है सो टू मेम्ब्रेन कवरिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट वन द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है पोरस मींस दैट लाइक छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए दैट इज नोन एज पोरस क्यों बिकॉज यहाँ पर क्या होता है कोई भी मटेरियल हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में और एग्जिट करेगा दैट्स व्हाई उसके लिए जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज वेरी पोरस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड और जो इनर मेम्ब्रेन है वो डीपली फोल्डेड होती है जैसे कि हमने स्ट्रक्चर में पहले देख लिया है इनर जो मेम्ब्रेन है वो डीपली फोल्डेड होती है दिस फोल्ड्स क्रिएट अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन और ये जो फोल्ड्स है ये क्या करते हैं एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस के लिए जैसे अगर हम बात कर रहे हैं वहां पर मैं सिंपल लाइन खींचता हूं तो इसकी जो सरफेस है हमारे पास ऑब्जेक्ट ये सरफेस बन रही है ठीक है अब मैं इसी लाइन को डीपी फोल्ड कर देता हूं ये इस तरह से डीपी फोल्ड हो जाती है ये वही लाइन चल रही है और ये डीपी फोल्ड हो जाती है इस तरह से अंदर की तरफ डीपी फोल्ड हो रही है तो यहां पर आप देखिए पहले हमारे पास यही सरफेस थी ओनली यही सरफेस थी बट अब जब हम देख पा रहे इस स्ट्रक्चर में हम इतनी ही डिस्टेंस पर ये इतनी बड़ी सरफेस हमारे को मिल रही है हर तरफ से तो ये सरफेस एरिया क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है ये सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है किसके लिए एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस के लिए बिकॉज़ यहां पर जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो एटीपी जनरेशन में हेल्प करती है सो माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनिज्म इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया क्या है स्ट्रेंज ऑर्गेनिज्म क्यों बिकॉज़ ये क्या है they contain their own DNA and ribosomes. Basically क्या होता है DNA कहाँ पर present होता है हमने देखा कि DNA is found in nucleus. Nucleus में ही DNA present होता है. But mitochondria ऐसा organelle है nucleus को छोड़ करके besides nucleus that contains its own DNA and also having ribosomes. Therefore mitochondria are able to make some of their proteins. इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है अपने खुद के प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने में भी कैपेबल होता है नाउ नेक्स्ट इज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस अब हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे तो डिफ्यूजन मेनली डिफ्यूजन की हम बात करें तो डिफ्यूजन हम बाद में डिस्कस करेंगे पहले हम ऑस्मोसिस को डिस्कस कर लेते हैं सो ऑस्मोसिस If there is a membrane between two solutions with an equal concentration of solute that cannot cross the membrane. यहाँ पर हम डिस्कशन से पहले कुछ चीजें देख लेते हैं जैसे कि हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन सॉल्यूशन यहाँ पर टर्म आया है अगर हम सॉल्यूशन जैसे काम की बात कर लेते हैं तो सॉल्यूशन क्या होता है बेसिकली सॉल्यूशन में दो चीजें होती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट
solute and solvent. Solute और solvent दो चीजें होती हैं। तो हम बात कर लेते हैं, जैसे कि लाइक हम बात कर लेते हैं sugar solution की। We can talk about sugar solution। तो sugar solution की हम बात करते हैं। तो sugar solution में हमारे पास दो चीजें होती हैं। One is sugar and other one is water। और क्या होता है sugar के साथ? Water फिक्स होता है, मीन शुगर और वाटर दोनों को जब हम मिलाते हैं तो दैट फॉर्म शुगर सॉल्यूशन। अब हमने कहा सॉल्यूशन में दो चीजें होती है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट वो है जिसका अमाउंट कम होता है। लाइक हम अगर बात करें शुगर सॉल्यूशन की तो हमें पता है 1 ग्लास वाटर में हम 1 स्पून शुगर को ऐड करते हैं और शुगर सॉल्यूशन को हम पैक कर लेते हैं। बट यहाँ पर जो है शुगर कम अमाउंट में है तो ये सॉल्यूट होगा और जो ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन पता चला और सॉल्यूशन में कौन से दो मटेरियल होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट उसके बारे में भी आपने देखा है। व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट। जो मिनिमम अमाउंट में है दैट इज सॉल्यूट लाइक शुगर और जो मोर अमाउंट में है दैट इज सॉल्वेंट। तो यहाँ पर क्या कह रहा है इफ देयर इज अ मेम्ब्रेन विद टू सॉल्यूशंस, कोई भी दो सॉल्यूशन है उसके बीच एक मेम्ब्रेन है। लाइक यहां सॉल्यूशन 1 हो गया, यहां पर सॉल्यूशन 2 हो गया और उनके बीच में ये एक मेम्ब्रेन लगा दिया हमने, इनके बीच में एक मेम्ब्रेन लगा दी है। ठीक है, सो इफ देयर इज अ मेम्ब्रेन बिटवीन टू सॉल्यूशन विद अनइक्वल कंसंट्रेशन और इनकी कंसंट्रेशन क्या है अनइक्वल है, मीन सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 दे आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन, इनकी कंसंट्रेशन अलग-अलग है। इसकी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स दैट कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन वाटर, तो यहां पर क्या है तो ये क्या करेंगे मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ये सॉल्यूट क्या करेंगे इनके अंदर, ये जैसे ये सॉल्यूशन है, ये क्या है सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन के अंदर हमने देखा सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होता है तो सॉल्यूट का अमाउंट में होता है मैक्सिमम, हम बात करें सॉल्वेंट का हम वाटर को ज्यादातर सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूट जो होगा वो सॉल्यूट क्या करेगा इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा बिकॉज इनकी क्या है कॉन्सेंट्रेशन अनइक्वल है। तो जो सॉल्यूट है वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो जो सॉल्वेंट है मीन जो वाटर है, सॉल्वेंट क्या है हमारे पास वाटर, तो वाटर क्या करेगा विल फ्लो टुवर्ड्स द साइड विद लेस वाटर ऑब्लिक मोर सॉल्यूट अंटिल द टू साइड्स हैव अनइक्वल कंसंट्रेशन। तो यहां पर वाटर क्या करेगा लाइक मैंने बोल दिया दैट इस तरह क्या है सॉल्यूट का परसेंट ज्यादा है, जैसे यहां पर हमने बोल दिया 2% ये सॉल्यूशन क्या है 2% शुगर सॉल्यूशन है। ठीक है, और यहां पर है ना कितने परसेंट है 30% शुगर सॉल्यूशन है। यहां पर कितना परसेंट हो गया ये हमारे पास 30% शुगर सॉल्यूशन हो गया। तो 30% होने का मतलब क्या है यहां 30% शुगर है जबकि यहां 10% शुगर है, जबकि यहाँ पर 10% शुगर है। तो हम देखेंगे 10% शुगर है मीन यहाँ पर वाटर एक्सेस में है, सॉल्वेंट जो ज्यादा है जबकि यहाँ सॉल्वेंट कम है। ठीक है, तो वाटर क्या चलेगा जहाँ पर उसकी ज्यादा अमाउंट है उससे कम अमाउंट की तरफ ले जाएगा, मीन इस तरफ ये जाएगा बिकॉज अनइक्वल कॉन्सेंट्रेशन है। तो वाटर क्या चलेगा आपकी लेस कॉन्सेंट्रेशन से, मीन जिस तरफ उसकी लेस कॉन्सेंट्रेशन है ना वहां पर वोट करेगा जहां पर उसकी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। और जब क्या होगा दोनों तरफ वोटर का अमाउंट इक्वल हो जाएगा मीन वोटर की कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएगी तो वहां पर हम देखेंगे कि फिर उसके बाद जो है वोटर का ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा और दोनों तरफ इक्वल हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन तो वोटर का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा। तो ये मेम्ब्रेन होगी इसके थ्रू क्या है ओनली सॉल्वेंट मीन वोटर कैन पास बट नॉट सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू इट, सो दिस इज ऑस्मोसिस। तो इस प्रोसेस में क्या है जो हमारा हायर कॉन्सेंट्रेशन जो पार्टिकल्स है वो एक सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, ये सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन क्यों बोल रहे हैं सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन क्यों बोल रहे हैं बिकॉज इसमें से क्या है सॉल्यूट के पार्टिकल्स तो नहीं जा पा रहे पर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मीन वाटर के पार्टिकल्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर ट्रेवल कर पा रहे हैं, इसलिए That's why this membrane is known as semi-permeable या selective permeable membrane। तो क्या करेगा जो कोई भी पार्टिकल है वो क्या करेंगे अपनी
हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। यहाँ वॉटर की हायर कॉन्सेंट्रेशन थी जबकि यहाँ पर लोअर कॉन्सेंट्रेशन थी, तो वो इक्वल करने के लिए इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, तो दैट इज प्रोसेस नोन एज ऑस्मोसिस। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। ओके, नाउ वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय दिस पिक्चर। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं दैट इज यहां पर इट इज डिस्टिल वाटर, यहां पर एक बीकर है और बीकर में आप देख पा रहे हैं कि डिस्टिल वाटर भरा हुआ है, बीकर के अंदर डिस्टिल वाटर भरा हुआ है, ठीक है। और यहां पर ये हम जो ले रहे हैं एक टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं और उस टेस्ट ट्यूब के हम अंदर हम 3% सॉल्ट सॉल्यूशन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, 3% सॉल्ट सॉल्यूशन हम कंटेन कर रहे हैं। और इसके बाद हमने जो ये हमारे ट्यूब है उसका जो माउथ है वो एक सेलेक्टिव परमीएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या कर दिया है, हमने उसको बंद कर दिया, क्लोज कर दिया है। हमने सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन क्यों बोला इसको, बिकॉज इससे क्या है ये अलाउ करेगी कुछ स्पेशल पार्टिकल्स को ही इसके थ्रू पास करने को अलाउ करेगी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेलेक्टिव परमीएबल मेम्ब्रेन। तो यहां पर हम देखते हैं 3% सॉल्ट सॉल्यूशन है, मीन यहां पर वाटर की वाटर का अमाउंट ज्यादा है जबकि यहां वाटर का अमाउंट कम है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे यहां पर देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, हम देख पा रहे हैं जब हम इसको वाटर में डीप करेंगे तो वाटर पार्टिकल्स वाटर बिकॉज़ यहां पर क्या है वाटर की हायर कंसंट्रेशन है और इस वाले पार्ट में वाटर की लोअर कंसंट्रेशन है। तो यहां पर हम देखेंगे जो वाटर पार्टिकल्स है वाटर पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं सेलेक्टिव परमीएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जहां उसकी सॉल्ट सॉल्यूशन है जहां वाटर की कंसंट्रेशन कम है वहां उस तरफ ये ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये वाटर पार्टिकल्स धीरे-धीरे ट्रेवल करते चले जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके बाद जो वाटर की कंसंट्रेशन है ये यहां पर और इस टेस्ट ट्यूब में इक्वल हो जाएगी। जब ये इक्वल हो जाएगी तो वाटर का ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा, मीन अब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो गई। जबकि यहां पर हायर कंसंट्रेशन यहां पर है वाटर की और यहां पर लोअर कंसंट्रेशन है, बट इस वाली पोजीशन में इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो चुकी है। सो सॉल्यूशन स्टॉप्स राइजिंग, सॉल्यूशन ऊपर की तरफ चढ़ना बंद कर देगा। व्हेन वेट ऑफ कॉलम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इक्वल्स ऑस्मोटिक प्रेशर, और जब क्या हो जाता है जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल में हो जाता है, इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है, तो यहां पर इसका ट्रांसपोर्टेशन वाटर का रुक जाता है सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। जो हमारे ज्यादातर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं उनमें ये सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन मींस ऑस्मोसिस के थ्रू ही ट्रांसपोर्टेशन होता है। इस ऑस्मोसिस को आप एक एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं, जो आपके डेली घर पर आप यूज करते होंगे, लाइक आप किशमिश को जब यूज करते हैं तो किशमिश देखते हैं वो थोड़ा छोटा होता है, बट अगर हम उसको एक वाटर के अंदर डाल देते हैं थोड़ी वाटर के अंदर हम उसको डिप कर दिया, हम देखेंगे वो जो हमारा किशमिश है वो स्वेल कर जाएगा, मीन वो फूल जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज जो यहाँ पर है इसमें हमने वाटर डाला है, इसमें हमने वाटर फिल किया हुआ है, और वाटर फिल करने के बाद यहाँ पर शुगर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, आप देखेंगे वहां पर जो शुगर ज्यादा प्रेजेंट होती है किसी भी किशमिश के अंदर, बट जब उसको वाटर के अंदर डालते हैं बिकॉज शुगर क्या है शुगर ज्यादा है और वाटर इसके अंदर कम है, तो वाटर क्या करेगा इसके अंदर एंटर करेगा, वाटर हमारे किशमिश के अंदर एंटर करेगा और धीरे धीरे क्या होगा वो वाटर एंटर करते जाएगा, और उसके बाद जो कॉन्सेंट्रेशन बाहर की तरफ है वाटर की वही कॉन्सेंट्रेशन अंदर की तरफ हो जाएगी, मीन ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो जाएगा, तो हमारे वाटर का ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी ऑस्मोसिस का ही एक एग्जांपल है, जो किशमिश स्वेल कर जाता है व्हेन वी पुट इट इनटू वाटर, जब हम उसको वाटर के अंदर रखते हैं तो वो स्वेल कर जाएगा, ठीक है। नाउ इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, अब जैसे कि हम बात कर लेते हैं ये मीडियम लाइक ये पूरा ये इस पर्टिकुलर एरिया की बात कर लेते हैं, इट इज मीडियम
और मीडियम में क्या हो ये सेल रखी हुई है सा सेल तो क्या कह लेंगे इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल यहां पर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है यहां पर वाटर के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन हायर है बट सेल के अंदर क्या है कंसंट्रेशन लो है सो meaning that the outside solution is very dilute yahan par water ki concentration zyada hai aur jis bhi surface par jis bhi area mein water ki concentration zyada hoti hai that is known as dilute solution use hum kya bolte hain dilute solution ke naam se usko hum jante hain theek hai the cell will gain water by osmosis to water ab water concentration hogi to water kya karega apni higher concentration se lower concentration ki taraf move karega वोटर क्या कर रहा है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है तो वाटर पार्टिकल्स यहां से इसके अंदर चले जाएंगे और सेल क्या करेगी वाटर को गेन कर लेगी ऑस्मोसिस के थ्रू सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे जहां की सराउंडिंग में वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा सराउंडिंग में that solution is known as hypotonic solution to hypotonic solution mein kya hoga water excess hoga kya hoga water excess mein hoga hypotonic solution mein water excess mein hoga theek hai uske baad if the medium has exactly the same concentration ab hum agle ko agle condition ki baat kar lete hain yahan par baat kar lete hain hum next condition ye hai hamare paas ye cell hai aur ye uska surrounding hai ab jitna water cell ke andar present hai utna hi water सेल के आउटसाइड में जो कंसंट्रेशन है वो दोनों की सेम है वाटर की कंसंट्रेशन क्या है सेल के अंदर और सेल के बाहर के सराउंडिंग एनवायरनमेंट में सेम है दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो सेम है देयर विल बी नो नॉन एट मूवमेंट ऑफ वाटर तो अब जब दोनों की कंसंट्रेशन सेल सेम है सराउंडिंग की और सेल की तो क्या करेगी कहीं पर भी वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट नहीं होगी कोई भी नेट मूवमेंट शो नहीं करेगा है ना सेल के अंदर such a solution is known as isotonic solution so in solution ko hum kya bolte hain isotonic solution this type of solution known as isotonic solution now if the medium has a lower concentration of water than the cell ab hum teesri condition ki baat kar lete hain yahan par theek hai to yahan par cell ke andar ja raha hai jabki jo surrounding se wahan par water ka amount less hai सेल के अंदर ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट है वाटर का जबकि जो सराउंडिंग्स है उसके अंदर वाटर का अमाउंट कम है तो यहां क्या करेगा अब यहां पर बिकॉज़ वाटर का अमाउंट कम है वाटर की कंसंट्रेशन कम है तो सेल के अंदर से बाहर की तरफ सेल के अंदर से बाहर की तरफ वाटर ट्रैवल करेगा ठीक है और यहां पर सेल की जो मेंब्रेन है वो सेट कर देगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स ही बाहर आएंगे तो वाटर पार्टिकल्स या वाटर मॉलिक्यूल्स से बाहर आ जाएंगे ठीक है और सेल क्या करेगी श्रिंक कर जाएगी यहां पर सेल का रहेगी जब अंदर जाएगा वाटर मॉलिक्यूल तो वो फोर भी डिस्टर्ब करेंगे पर जब भी वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आएंगे वाटर पार्टिकल्स बाहर आएंगे सेल से तो सेल विल बी श्रिंक सेल श्रिंक कर जाएंगे ठीक है सो वाटर देन द सेल मीनिंग दैट इट इज वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस ठीक है बिकॉज़ वाटर हमें मीन को कंसंट्रेटेड जब हमने कहा वाटर एक्सेस में होगा अभी हमने पढ़ा अगर वाटर ज्यादा है एक्सेस में है तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं डाइल्यूट दैट इज नोन एज डाइल्यूट इसको हम डाइल्यूट बोलते हैं बट अगर वाटर कम है वाटर का अमाउंट कम है किसी भी सॉल्यूशन में वाटर का अमाउंट कम है देन दैट इज नोन एज कंसंट्रेट कंसंट्रेट सॉल्यूशन तो डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेट सॉल्यूशन में यही है कि डाइल्यूट में वाटर एक्सेस में होगा जबकि कंसंट्रेट में जो है वाटर वो मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो यहां पर क्या है जो बाहर का सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड मीन उसमें वाटर का अमाउंट कम है जबकि सेल में वाटर का अमाउंट ज्यादा है तो वाटर पार्टिकल्स क्या करेंगे इसकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे ठीक है द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस तो सेल क्या करेगी वाटर को लूज करेगी जो है वो जो वाटर का अमाउंट दोनों तरफ वाटर की कंसंट्रेशन दोनों तरफ इक्वल करने के लिए सेल अपने अंदर से वाटर को लूज करेगी ठीक है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस सच अ सॉल्यूशन नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और इन सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे ठीक है तो आप हमारे पास तीन सॉल्यूशन आ रहे वी आर गेटिंग थ्री सॉल्यूशन नंबर 1 इज
Number one is hypertonic, number two is isotonic, and number three is hypertonic. तो hypotonic में हम क्या बात करते हैं? Hypotonic का mean है कि वहाँ पर water की concentration ज़्यादा, mean water का amount ज़्यादा है, dilute है, surrounding में water ज़्यादा है, तो वो क्या होगा? Hypotonic हो जाएगा. अगर water equal है दोनों तरफ cell और cell के surrounding में, तो isotonic हो जाएगा. But अगर cell के अंदर water ज़्यादा है और environment में water कम present है, that is known as hypertonic solution. So these are the three type of solution. Okay. Next is plastid. Next organelle is plastid. So plastid are present only in the plant cell. Plastid jo hai organelle wo only plant cell mein present hota hai, animal cell mein absent hota hai. Plastid jo hai organelle. There are two type of plastids, chromoplast and leucoplast. Plastid jo hote hai wo two types ke hote hai. Number one is chromoplast and number two is leucoplast. So chromoplast and leucoplast two type होते हैं. Chromo का mean क्या होता है? Color. Chromo mean color. और plast मतलब plastic से related है. Plast को plastic से बनाया गया है. तो chromoplast में क्या होंगे? Colorful plastic होंगे. Chromoplast में क्या होंगे? Colorful plastic होंगे. जबकि जो leucoplast है, ये white color के होंगे या फिर colorless होंगे. Colorless होंगे या फिर white color के होंगे, then they are known as leucoplast. Plastids containing the pigment chlorophyll are known as chloroplast. और अगर plastid है, जो क्या है, ऐसे pigment chlorophyll, अगर उसमें pigment है chlorophyll, अगर वो chlorophyll नाम से जाना, अगर है ना, उसमें chlorophyll pigment present है, then that is known as chloroplast. ऐसा प्लास्टिड जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है और क्लोरोफिल प्रेजेंट है, पिगमेंट प्रेजेंट है किसी भी प्लास्टिड में, देन दैट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट. तो उसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं. सो क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट. क्लोरोप्लास्ट किस लिए इंपॉर्टेंट होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए. इसलिए इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्लोरोप्लास्ट. इज chloroplast are important for photosynthesis in plant. Chloroplast also contain various yellow or orange pigment in addition to chlorophyll. अब chloroplast में क्या होता है? कई बार दूसरे pigment भी present होते हैं, like yellow और orange कलर के. कई बार हम देखते हैं कि leaves जो होती है ना, वो green के साथ थोड़ी yellowish और थोड़ी और orange type में भी होती है, orange कलर की भी होती है. तो कभी कभी क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, कुड बी येलो कलर और ऑरेंज कलर इन एडिशन टू क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के साथ. ठीक है. ल्यूकोप्लास्ट आर प्रीमिटिवली ऑर्गेनिक्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रैनुल आर स्टोर्ड. तो दूसरे टाइप का हम अगर देखें प्लास्टिड तो वो है क्लोरोप्लास्ट. तो क्लोरोप्लास्ट ऐसे ऑर्गेनिक होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं. किस किस के? स्टार्च के स्टोरेज का, जो कि प्लांट में फॉर्म होता है. इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल्स एंड प्रोटीन्स ग्रैनुल्स, इनके स्टोरेज का वर्क कौन करता है? परफॉर्म ल्यूकोप्लास्ट हमारे पास इनके स्टोरेज का वर्क परफॉर्म करते हैं. द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लास्टिड्स consist of numerous membrane layer embedded in a material called stroma. अब यहाँ पर हम बात करें that plastic की, अगर हम structure की बात कर ले तो plastic की structure देख सकते हैं, ये इस तरह के shape का होता है plastic. ठीक है. और plastic में जो है, इसके अंदर जो material भरा होता है उसको हम बोलते हैं, that is known as stroma, that is called stroma. और इस stroma के अंदर हम देखें तो numerous membrane like structures और layers present होती है. तो ये इस तरह से कई सारी इस तरह से layers present होती है यहाँ पर. ये इस तरह से किसी भी प्लास्टिक के अंदर इस तरह से ये लेयर, बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती है. और ये जो है स्ट्रोमा के अंदर, ये हाइड्रेट होती है, मतलब स्ट्रोमा के अंदर धसी हुई डेंसिटी है. प्लास्टिक के अंदर ये जो है न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेड इन अ मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा. प्लास्टिड्स आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया. और प्लास्टिक जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के. माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही होते हैं, बिकॉज इनमें भी क्या होता है, प्लास्टिड आल्सो हैव डीएनए एंड राइबोसोम्स.
or DNA and ribosome. That powerhouse of cell is mitochondria, and mitochondria having their own DNA and ribosomes, and here also plastid also containing their own DNA and ribosomes. So these both are the same type of structure present in a cell. Okay, now next. Next is vacuoles. Next organelle is vacuole. Vacuole भी एक organelle है जो plant cell के अंदर मिलता है और animal cell के अंदर भी ये मिलती है vacuoles. So vacuole are storage sacs for solids or liquid contents. ये क्या करती है? Storage करती है. Storage करने का काम करती है solid और liquid contents को, जो कि cell के अंदर present होते हैं solid और liquid contents, उनको storage करने का work करती है vacuoles करती है. So vacuoles are small size in animal cell. Vacuoles जो होती है वो animal cell में small size होती है. Vacuoles जो होती है animal cell में वो small size होती है. That is small size animal cell में. But in plant cell have very large vacuoles. But जो plant cell होती है वो काफी बड़ी vacuoles को contain करती है. The central vacuole of some plants cells may occupy 50-90% of the cell volume. यहाँ तक कि जो कुछ प्लांट सेल्स हैं, उनमें 50-90% तक जो सेल वॉल्यूम है, उसको कंटेन कर लेती है हमारे पास वैक्यूल कंटेन कर लेती है इन प्लांट सेल्स. वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल्स है. अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो इनमें क्या होता है? सेल सेल भरा होता है, मीन एक लिक्विड भरा होता है. और दैट लिक्विड इज नोन एज दैट लिक्विड दैट इज फिल्ड इन vacuoles, that is known as cell cycle, and provide turgidity and rigidity to the cell. और ये क्या करती है? इसके थ्रू क्या करती है? सेल जो टर्जिड रहती है एंड रिजिड रहती है. टर्जिड का मीन क्या? स्वेल करती है, मतलब फूली हुई रहती है, अपना शेप एक्वायर कर लेती है. और रिजिड मतलब हार्ड होती है, ठीक है? To the cell, many substances of importance in the life of the plant cell are stored in vacuoles. बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस जो कि सेल को अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, वो कहाँ पर स्टोर, प्लांट सेल को रिक्वायर्ड होते हैं, वो कहाँ स्टोर होते हैं? वैक्यूल्स में ही स्टोर किए जाते हैं. दीज इंक्लूड एमिनो एसिड. अब ये कौन कौन से मटीरियल को स्टोर करती है? नंबर वन इज एमिनो एसिड, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स. तो ये किसमें? प्रोटीन्स को ये क्या करती है? स्टोर करने का वर्क परफॉर्म करती है, ठीक है? नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल, ठीक है? वैक्यूल की बात करें हम, ये एक सेंट्रल वैक्यूल है और इसके अंदर जो ये यहाँ पर लिक्विड प्रेजेंट है दैट इज सेल्स है. ये सेल्स है पर और इसके आउटर में जो ये लिक्विड प्रेजेंट है दैट इज नोन एज क्रोमोप्लास्ट, दैट इज नोन एज क्रोमोप्लास्ट. सो दिस इज द वैक्यूल और ये सेल्स है के अंदर जो भी एमिनो एसिड्स हैं और दूसरे ऑर्गेनिक एसिड और प्रोटीन्स हैं वो इसके अंदर स्टोर रहते हैं हमारे पास, ठीक है? नाउ नेक्स्ट. Each cell thus acquires its structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelles in specific ways. तो कोई भी सेल है वो अपनी स्ट्रक्चर एक्वायर करती है और साथ में एबिलिटी रखती है किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने की. क्यों? बिकॉज एक उसकी मेम्ब्रेन की ऑर्गेनाइजेशन की वजह से और साथ में जो भी ऑर्गेनल्स है वो स्पेसिफिक वे में किस तरह से अपना वर्क परफॉर्म कर रहे हैं उसी के थ्रू क्या करती है? सेल अपनी स्ट्रक्चर की एक्वायर करती है और साथ में एबिलिटी भी रखती है फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है? इन द सेल दस हैज अ बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. इसलिए सेल क्या है? लाइफ की या किसी भी एनिमल की या किसी भी प्लांट की या कंप्लीट लाइफ की, ठीक है, एक बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है. दिस हेल्प्स द सेल्स टू परफॉर्म फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन एंड क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल और फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स. सेल किस किस में हेल्प करती है जो फंक्शन परफॉर्म होते हैं हमारी बॉडी में? लाइक रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन,
clearing of fresh material and forming new proteins or new proteins ke banane mein ye help karti hai. Thus the cell is the fundamental structural unit of living organism. इसीलिए सेल क्या है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है और साथ में इट इज आल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ एंड आल्सो बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सो दिस इज द और ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और जो भी आपको डाउट्स हो वो आप वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखना, बिकॉज़ लाइव जो कमेंट होते हैं वो शो नहीं होते, जबकि जो कमेंट आप बाद में करते हैं वही कमेंट वहां पर शो होते हैं. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.